गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माउंटेन राइड ब्लॉगर। एंड देन गाइज आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं। मैं लास्ट वीडियो लाया था आपको मनाली से धर्मशाला तक की। मैं आज की जो वीडियो है इसमें धर्मशाला से डलहौजी जा रहा हूँ, तो मैं आपको डलहौजी तक का जितना भी व्यू आएगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखिए गाइज। ये है मेरी गाड़ी। अभी आए हैं हम धर्मशाला के भक्सुनाग टेम्पल में, जिसमें कि मेरे गेस्ट लोग गए हुए हैं, तो हम भी आपको वहाँ जाकर थोड़ा दिखाएंगे टेम्पल का अंदर का व्यू जैसा है कैसा है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अब हम जा रहे हैं परे को। अभी सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं भी टेम्पल के दर्शन करके आता हूँ, तो मैं तभी टेम्पल की ओर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फॉरनर लोग भी आए हुए हैं। यह है इसकी मार्केट। तो देखिए मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, इसके बाद आएगा टेंपल। ये देखिए छोटी सी मार्केट है, तो अब मैं टेंपल जा रहा हूँ, तो मैं आपको टेंपल जाके दिखाता हूँ। देखिए हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। यह है एंट्रेंस मंदिर का। इसमें एक स्विमिंग पूल भी है, पहले हम मंदिर जाएंगे फिर तो मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाऊँगा। जय हो भगवान। ये देखिए लिखा हुआ है भक्सुनाग टेम्पल। शायद ऊपर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, देखता हूँ ऊपर जाके। मैं वापसी आ चुका हूँ मंदिर से, और मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको नहीं दिखा पाया मंदिर का। मैं आपको यहाँ का नीचे स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर है, देखिए कितना अच्छा व्यू है का। ये देखिए यहाँ से धारा निकल रही है शेर के मुंह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अद्भुत है। और यह है स्विमिंग पूल यहाँ का। स्विमिंग पूल देखिए, स्विमिंग पूल का कलर देखिए पानी का, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। देखिए ये देखिए इससे कैसे नीचे धक्का दे दिया गया है। देखिए लगा। हम आगे चलते हैं की तरफ, तो मैं आपको वहाँ जाकर भी दिखाऊंगा। तब के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में, और हम चलते हैं गाड़ी के पास। जैसे ही गेस्ट आते हैं तो हम चल पड़ेंगे स्टेडियम की ओर। देन गो टू विजिट टू डलहौजी। डलहौजी में जितने भी पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए कितना सुंदर है, देखिए कलाकृति कितनी अच्छी की हुई है। शेर के मुंह से पानी आ रहा है यहाँ पे। यह है टेंपल ऊपर का, देखो बिल्कुल पहाड़ में बसा हुआ है। तो गाइस चलते हैं हम गाड़ी के पास, तब तक के लिए बने रहे मेरी वीडियो में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, और जैसे ही मेरे गेस्ट लोग आएंगे देन हम चल पड़ेंगे क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जो धर्मशाला में है। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। अभी हम रुके थे इस रेस्टोरेंट में खाना खाने, लंच करने, और हम यहाँ से चलेंगे डलहौजी की तरफ। मैं आपको इसका कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ का रेस्टोरेंट कितना सुंदर है, अद्भुत व्यू है। ये है अपना कांगड़ा से नूरपुर की साइड को, गग्गल से आगे चंबी नाम की जगह है, यहाँ पे है ये रेस्टोरेंट। तो आप जब भी आए तो यहाँ ज़रूर खाइए। ये देखिए यहाँ प्यारा हिमाचल। और गाइस यहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्ति भी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अद्भुत है। और ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट डलहौजी की तरफ। मैं आपको बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे वो दिखाऊँगा, तब तक के लिए बने रहेंगे। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं लंच करके डलहौजी की तरफ को। बीच में जो जगह आती है डलहौजी और कांगड़ा के बीच की, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है। हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। रोड भी बिल्कुल मेटल ही है। गाइस जो भी बोलो, रोड
रोड तो बिल्कुल ही मेटल है, पक्के हैं, अच्छे रोड है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं नोनीखड्ड, तो हम वहाँ जाके चाय पियेंगे। मैं आपको वहाँ जब रुकूँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं नोनीखड्ड, तो उतर रहे हैं हम चाय पीने के लिए। यहाँ से बस अब थोड़ा सा रह गया है डलहौजी के लिए, अभी हम उसके बाद बनीखेत पहुँचेंगे, फिर डलहौजी में थोड़ा आपको बाहर उतर के दिखाता हूँ। गाइस ये है नोनीखड्ड जो कि बनीखेत से नीचे है, और इसके बाद हम चाय पी रहे हैं, तो उसके बाद अब हम चल पड़ेंगे ऊपर डलहौजी के लिए। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, और जो ये रोड जा रही है सीधी ऊपर को, अभी हमने इसमें ही जाना है, तो हम ऊपर जाके आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। गाइस अभी हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे डलहौजी, तो मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी वॉश कराऊँ, तो मैंने गाड़ी वॉशिंग करा रही, तो ये साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से वॉशिंग करा के बस अब गाड़ी को रेस्ट देना है। गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं होटल डलहौजी के, जो अभी हम धर्मशाला चले थे, जिसका नाम है कोजिनोक। तो जितने भी हो सका मैंने आपको व्यूज़ और पॉइंट दिखाए, तो आप बताइए कैसा लगा। और आज हम स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे हम खजियार की तरफ, तो मैं आपको खजियार की वीडियो भी दिखाऊंगा, आपके सामने ले आऊंगा। तो बताइए कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं गाइस।